गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? मैं आपकी महादेवी। आज मैं इवनिंग से मेरा वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज का डिनर और मैं गणपति जी का वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा, कैसे स्थापित किए और कैसे पूजा किए बस इतना ही बता पाऊँगी। ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई उस दिन, फेस्टिवल के दिन काम ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे किचन में ज़्यादा काम हो गया। देखिए, ये दो दिन से कपड़े भी फोल्ड नहीं किए थे, ये कपड़े फोल्ड कर दूंगी। कपड़े धोना सुखाना एक है तो कपड़े फोल्ड करना बड़ा टास्क है। देखिए, मेरे गणपति जी है, ये गणपति जी इस साल के हैं, जो नीचे गणपति जी हैं वो लास्ट ईयर के हैं। हम लोग एवरी ईयर जो नए गणपति जी आते हैं उन्हें एक साल तक हम लोग घर में रखते हैं, और जो लास्ट ईयर के होते हैं उन्हें विसर्जन कर देते हैं। देखिए मेरा सिंपल सा पूजा, हमारे यहाँ कुड़मुल का खीर बोल के बनाते हैं, खीर पूरी और बिरयानी सब बनाया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाई मैं। गणपति जी को देख लिया आप लोग? चलिए, तो मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए, अभी मैं डिनर प्रिपरेशन कर देती हूँ क्योंकि हम लोगों को सोसाइटी के गणपति पूजा में जाना है। चलिए तो फिर हम लोग डिनर का प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज मैं तुराई की सब्जी बना रही हूँ। अभी समय भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो 5:30 बज रहा है शाम के, मुझे सोसाइटी के गणपति जी के पास जाना है, इसीलिए मैं डिनर जल्दी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। इधर चाय बन रहा है और मेड आके बर्तन मांझ के चली गई है, वो तो थोड़ा सूख जाने के बाद उन्हें भी अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी। तो फिर तेल गरम हो गया, इसके अंदर हम लोग अभी जीरा और राई डाल देंगे और एक तरफ चाय में उबाल आ गया है। और एक बड़ा प्याज लेके मैं उसे बिग बिग साइज में कट करके डाली हूँ। इसे थोड़ा सा फ्राई होने तक, ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये ऑनियन ब्राउन हो गए हैं, बस हमें इतना ही पकाना है। अभी हम लोग इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये घर का बना हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, मैं हल्दी प्याज में ही डाल देती हूँ, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मेथी, मेथी डालने से हर सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और मुझे हरे सब्जियों में मेथी बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ में मेथी डालती हूँ जब भी मेथी मार्केट में आता है, और हर बार मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मेथी लेके आती हूँ। देखिए प्याज में से तेल छोड़ रहा है, अभी हम लोग तुराई डाल देंगे इसके अंदर।
से अच्छे से मिला के हम लोग तुराई को अच्छे से मिला के अभी से मैं ढक दी हूँ। और अभी मैं चाय फिर से गर्म करके पहले एक कप निकाल लूँगी, उसमें से मेरे पति को मैं बिना शुगर की देती हूँ, वो बिना शुगर के चाय पीते हैं। और बाद में शुगर डाल के और एक उबाल बना के हम लोग चाय पी लेंगे। अभी मैं इस बर्तनों को भी अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी, क्योंकि अभी मैं पूरा ट्रे को फिर से एक बार देख लूंगी। अभी वो आधा पक चुका है, अभी इसके अंदर मैं रेगुलर के मसाले डाल दूंगी। और इधर मैं बर्तन अपने अपनी अपनी जगह पर रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बनता है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पिछले वीडियो और आगे की वीडियो आप लोग रेगुलर देख सकते हो। अभी इसके अंदर मैं 2 स्पून धनिया पाउडर डाल दूंगी। और 1 से 1.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर। आप लोग चाहे तो इसमें ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो। अभी हम लोग इस सब्जी को इन मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। अभी इसके अंदर मैं 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। ऑलमोस्ट 50 से 60% पक चुका है। अभी मैं इस पानी डाल के इसके अंदर मैं पीनट और तिल को फ्राई करके पाउडर बना ली हूँ। अब इस पाउडर को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए तिल और फली की पाउडर है। इसे ढककर सब्जी अपना तेल छोड़े तक मैं पका लूंगी। और एक तरफ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। सब्जी को मैं मिला के फिर से ढक दी हूँ। इसे हम लोग और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इधर मैं चपाती की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर हम लोग गरम गरम खाते हैं तो फुलके बना देती हूँ। अभी मैं इसे बना के रख रही हूँ ना, इसीलिए चपाती बना दूंगी। शायद आप लोग इसे पराठा कहते हैं, हम लोग इसे साउथ में चपाती बोलते हैं। चलिए तो मैं चपाती बना के हॉट बॉक्स में डाल के रख दूंगी, उसके बाद किचन क्लीन कर लूंगी, क्योंकि हम लोगों को नाइट में गणेश जी के पास से आने में बहुत देर हो रहा है। 11:30 हो जा रहा है,
इसलिए मैं पूरा काम करके जाऊंगी तो सुबह टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और एक लाइक दे दीजिए आप लोग। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके बाय।